हास्य से जुड़े, कविता से जुड़े, ये प्लीज ये बंद कर दीजिए, लाइट बंद करो। हाँ, जिनकी खुद की रोशनी होती है उन्हें आपकी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती, सीधी बात है। और हाल में पूरी लाइट कर दें ताकि आपके भी खिलखिलाते हुए चेहरे दिखाई दे जाए। और मैं अब एक बात और कहना चाहता हूँ, अब होली पर रंग लगाने की जरूरत नहीं है, होली पर हमारे चेहरों पर जो रंग लग गए हैं उनको उतारने की आवश्यकता है। जो सांप्रदायिकता के रंग हो गए, जो जाति पात के रंग हो गए, जो धर्मों के रंग चढ़ गए, अगर उनको उतार दो तो सिर्फ मनुष्य हो जाओ, तो उससे बेहतर होली कोई भी संसार के अंदर नहीं खेली जा सकती। लीजिए, आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए, और मेरे सभी कवि हैं, सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं इन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची उम्र की बात नहीं कर सकता। जो हमने बर्बाद कर ली वो उम्र थोड़ी है, उम्र तो वो है जो आपकी बची हुई है, तो इन सबकी बची हुई मेरे से ज्यादा है, इसलिए मैं सब कवियों को नमस्कार करता हूं। हमने लालू जी ने कहा था कि, मैंने कहा था कवियों का स्वागत कर दो, तो उन्होंने कहा पहले काम देखेंगे, काम ठीक हो गया तो कर देंगे, नहीं ठीक हुआ तो अपना करवा करके निकल जाएंगे कवियों से। सही बात है, जो इंटेलिजेंट आदमी है वो ये कहता है। हर इंटेलिजेंट आदमी, एक जगह एक ने विज्ञापन दे दिया, बोले मुझे नौकर चाहिए, खाना खुराक मैं उसको दे दूंगा, तनख्वाह नहीं दूंगा। तो एक भूखा मर रहा था, उसने कहा चलो इसी के यहाँ चलो। बोले जी मैं करूंगा नौकरी, तनख्वाह नहीं चाहिए, खाना दे देना। बोले करना क्या? बोले कुछ सामने एक गुरुद्वारा, उसमें लंगर बढ़ता है, तो अपना खाया कर मेरा लिया है कर। तो सीधी सी बात है। तो लालू जी उसी तरह से हमारा अभिनंदन करेंगे, ठीक है तो भैया तुम्हारा कर देंगे, नहीं अपना करवा कर तुमसे चले जाएंगे, क्योंकि हम तुम्हारे से ज्यादा हंसाने का काम तो ये अकेला ही कर देता है पूरे देश के अंदर, सीधी सी बात है। तो अगर मैं तो लालू जी आपसे कह रहा हूँ, राजनीति छोड़ो, हमारे बीच में आ जाओ, नंबर वन पोएट हो गए हास्यरस के इस देश के अंदर, सही बात है। और कोई, और सीधी सी बात है, हमें भी कहा किसी ने तुम राजनीति में आ जाओ, चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो फिर लड़कर जीतने की क्या जरूरत पड़ी है? हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते, हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? अब जो मोबाइल पर बात कर रहे हैं मोबाइल करना बंद कर दें, और जिनके मोबाइल आ रहे हैं उनको मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, जब पत्नी यहां है तो फोन कर कौन रहा है? इस मोबाइल का आविष्कार किसी लुगाई ने किया होगा ताकि पति को ढूंढ ले कहाँ बैठा हुआ है, और कोई बात नहीं, क्योंकि पति अपने खिलाफ हथियार कभी भी नहीं बनाएगा। हाँ, लखनऊ तहजीब का नजाकत के लिए माना जाता है, मैं हरियाणा का हूँ, हमारे यहाँ जैसी तहजीब है पूरा देश जानता है। हमारे हरियाणा वाले से कोई पूछ ले क्या टाइम है तो कहेगा क्यों फांसी चढ़ना है, टाइम नहीं बताएगा। हमारे कल्चर के नाम पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही है, और देखा जाए तो संसार की सबसे बड़ी कल्चर एग्रीकल्चर होती है, वो खराब हो जाए तो सबकी कल्चर बिगाड़ करके रख देती है, सीधी सी बात है। तो उस कल्चर को प्रणाम करते हुए, हमारे हरियाणा में आदमी अपना नुकसान कर लेगा लेकिन जवाब नहीं देगा। प्रैक्टिकल हो गए हमारे हरियाणा के बच्चे, वो हमारे हरियाणा में एक बच्चे से मास्टर ने पूछ लिया, मान ले मैंने तेरे बाप को 1,00,000 रुपए दिए, बता डेढ़ साल बाद 15% इंटरेस्ट के हिसाब से तेरा बाप कितने रुपए लौटाएगा? बच्चा बोले एक भी नहीं। मास्टर ने चांटा मारा, बोले बेटे तो हिसाब नहीं जानता क्या? बच्चा बोला मास्टर मैं तो हिसाब जानता हूँ पर तू मेरे बाप को नहीं जानता, उसने आज तक किसी का नहीं लौटाया तो तेरा कहाँ से लौटाएगा? तो ये प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है ये हमारे हरियाणा के बच्चों के पास क्या हर जगह होती है। वैसे देखा जाए तो कुंवारे को एक सुख प्राप्त है कि वो खाट के दोनों तरफ से उतर सकता है, शादीशुदा आदमी तो बेचारा 1 फुट बाई 1 फुट में गुजार लेता है। हमें तो 50 साल से नेता उल्लू बनाते रहे, कहते रहे बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है, इस चक्कर में हमने मेहनत नहीं की। जब बच्चे ही भविष्य है तो अपन क्यों मेहनत करें?
100 करोड़ की जनसंख्या बना दी। अब जाकर पता लगा कि बच्चे देश का भविष्य नहीं बल्कि कुंवारे देश का भविष्य है। हमारे प्रधानमंत्री कुंवारे, राष्ट्रपति कुंवारे, मायावती कुंवारी, जयललिता कुंवारी, नरेंद्र मोदी कुंवारा, उमा भारती कुंवारी, कुंवारे भविष्य बनते गए और हमें उल्लू बनाते रहे कि भी बच्चे देश। पहले सोच तो लो बोलना क्या है, दूसरे की भाषा में घुसने से पहले उसको देख लो भाई उसका अर्थ क्या निकलेगा। ये तो ऐसे ही हुआ कि बोले हाँ ठीक कोई बात नहीं है। वो एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोले एक उसमें गया बोले डॉक्टर साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है। डॉक्टर बोला केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री होता। बोले अच्छा कोपरा साहब। तो दूसरे की भाषा बोलने से सोच तो लो कहीं शेक्सपियर का अपमान तो नहीं कर रहे हो कहीं आप लोग। हाँ ठीक है। अभी ये जा कहाँ रहा है भाई, वापिस है अभी यहीं पर ही बैठा हुआ, आप चिंता मत करें। हाँ जब ये पहली बार पढ़ रहे थे तब ये सो रहे होंगे, लालू जी कह रहे हैं। अच्छा हुआ लालू जी के पास माइक नहीं है वरना मुझे तो संचालन ही नहीं करने देते होंगे। मुझे ये लगता कि मुझे आखिर बुलाया क्यों गया, सीधी सी बात है। खैर मैं चाहूँगा अगली बार जब लालू जी आए तो अपनी एक कविता जरूर सुनाएं हमें, ताकि उसके बाद आपको हम वहाँ से मुक्त करें और यहाँ से युक्त करें।